मैजिशियन मुक्ति शर्फ आज माइक्रोवेव में बना रहे हैं ओनली टू इंग्रेडिएंट से चॉकलेट काजू कतली, जिसमें फटाफट से बन जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और इसको मैं कांच के बाउल में ले रही हूँ। अब इसी को मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ 30 सेकेंड, यानी स्टार्ट का बटन सिर्फ एक बार दबाना है, स्टार्ट का बटन सिर्फ एक बार 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड हो गया है, अभी इसको हम जस्ट हिला रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें लम्स ना हो, अच्छे से इसको मेल्ट करना है। ये अच्छे से ये मेल्ट हो जाए तब तक इसको करना है। अभी इसमें जो है काजू पाउडर ले रहे हैं, तो जितना चॉकलेट है उससे आधा हमें काजू का पाउडर लेना है। तो इसी में ही हम काजू का पाउडर मिक्स कर रहे हैं, और जो काजू का पाउडर है उसको मैंने पाउडर करके छान भी लिया है, तो एक बार उसको छानना जरूरी है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको जस्ट हमें 10 सेकेंड का टाइम देना है। ये 10 सेकेंड हो गए हैं और हमारी काजू कतली का जो मिक्सचर है वो बनके तैयार हो गया है। हमें इसमें ज्यादा चाशनी बना और कुछ करो ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ये छोटी वाली डेरी मिल्क है, छोटी वाली डेरी मिल्क जो चॉकलेट रहती है उसका मोल्ड है। आप उसमें या फिर आपको जो पसंद आए ऐसे चॉकलेट मोल्ड में आप इसको बना सकते हैं। इसको ऐसे टैप कर लेना है जिससे अच्छे से ये फैल जाए। इसको अभी हमें फ्रीज में जस्ट 5 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखना है। ये काजू कतली चॉकलेट वाली जो हमने फ्रीज में सेट करने के लिए रखी थी वो हो गई है, और इसको अभी हम अनमोल्ड कर रहे हैं। ये हमारी चॉकलेट काजू कतली बनके तैयार हो गई है, बहुत ही इंस्टेंट, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली हमारी ये रेसिपी। आप भी घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।